हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या हाल है आप सब? खैरियत से होंगे तो हम यहाँ पर खैरियत से है। तो अभी पहला काम जो हमने कल बेड खरीद के लाया था उसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है ना? तो बेड से पहले हमको लगाना है ये वाला लाइट। ये जो लाइट है इसके अंदर ये लेट वाला लाइट है, लेट इसको हम पहले लगाएंगे यहाँ ऊपर, ठीक है? उसके बाद में जो है बेड को चेंज करेंगे। तो बने रहो जब तक हम इसका स्वागत हम करते हैं। तो भाई दोस्तों, अपनी लाइट तो फिट हो चुकी है, आपको दिख रही होगी रोशनी। तो ये हमारा बेड था, ये जो दिख रहा है ये इतना बेड था। तो इसके ऊपर जो है ना, नीचे जो है ना, मैं ये पत्थर डाला हुआ था, दिख रहा है पत्थर? इसको बदलते हैं अभी, तो बने रहो। ये देखो कंबल पूरे कितना कचरा कचरा पड़े हुए, इनको फेंको इधर, इसको फेंको इधर। ये कहाँ से गिरा भाई, पता नहीं ये कहाँ का है। एक निकल गया है, किया इसको फेंकना है बाहर। देखो क्या हालत हो गई इसकी। पलंग का पायर है, और जो हमने पलंग लाया था 80 रियाल में, ये उसके पायर है। चलिए लगाते हैं इसको अभी। तो बड़ा वाला लेते हैं अभी। इसका पैर ये वाला। तो दोस्तों ये हमारा पलंग रेडी हो गया है, थोड़ा नीचे आके देखो। तो भाई दोस्तों, सिंगल इंसान की लाइफ ऐसी कुछ होती है। तो देखो पलंग हमारा लग गया है, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे तकिए को ऐसे, ठीक है? और कुछ कंबल है, ये कंबल को घड़ी करेंगे ना, क्या मुश्किल है? देखो पूरा नेचुरल, झूठ कुछ भी नहीं है, सच्चाई है।
ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों माय बेड इज रेडी। तो अभी यहाँ कुछ कचरा हुआ है, फिर ये पलंग जो पुराना वाला है उसको बाहर फेंकना है। और अच्छा एक चीज बताता हूँ मैं आपको, ये जो कपड़ा है ना इसको बोलते हैं कफन, कफन नहीं बोलते, ये एहराम है। ये देखो ये एहराम है, इसको बोलते हैं चादर, जो उमरा के लिए पहन के जाते हैं, ठीक है ना, उमरा के लिए ये पहन के जाते हैं। और इसका नमूना मैं आपको बताऊं तो ये है, ये चादर है, ये उमरा के लिए इसको पहनते हैं, ठीक है। देखो इतना बड़ा होता है, इसको बोलते हैं कफन। हम साथ में कफन लेके रहते हैं कभी भी, सुने, हम साथ में कफन लेके रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद, क्योंकि ये पूरा साफ सफाई करने के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, फिर थोड़ी सी बात करेंगे, गपशप करेंगे, ठीक है ना। बने रहो वीडियो के साथ पूरा आखिर तक, देखना जरूर। अभी टाइम हो रहा है 10:30, हमको बनाना है खाना, ठीक है ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई दोस्तों मेरा बेड भी रेडी हो गया और मैं भी रेडी हो गया। अभी कुछ देर के बाद मेरे को जाना है ड्यूटी में। तो अभी मैं खाना बनाया हूँ, खाने में हमें मटन और सफेद चावल, वो अभी मेरे को खाना है, ये ब्रेकफास्ट है। तो देख सकते हैं आप अपना रूम। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कमाल की, मेरे पास है यह डेल का लैपटॉप और इसकी बैटरी नहीं है, बगैर बैटरी के चला रहा हूँ, इसमें सिर्फ वीडियो देखता हूँ, ना कोई एडिटिंग होती है ना कुछ होती है, ठीक है। ये खराब था, इसको मैं बनाया हूँ। और यहाँ सफेद जो दिख रहा है ये है चादर, जो उमरा के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर है जानिमाज, नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको बताइए। ये है सऊदी अरब की लाइफ, जिंदगी जो आप समझो वो, जैसी आपकी मर्जी। तो दिस इज माई लाइफ इन सऊदी अरेबिया। तो मैं सोच रहा था फैमिली को लेके आऊँ, फैमिली को उमरा के लिए लेके आऊँ यहाँ पर, इंशाल्लाह बेज़निल्ला बहुत जल्दी कोशिश करने वाला हूँ, क्योंकि वो लोग के पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। पासपोर्ट बनाने के बाद में इंशाल्लाह फैमिली को उमरा के लिए बुलाना है, इंशाल्लाह बेज़निल्ला, ठीक है। और जो कुछ लोग पूछ रहे थे भाई हम फैमिली को ला के साथ में रख सकते हैं क्या, तो भाई फैमिली को यानी कि एक आदमी जब आता है उसकी वाइफ को बुलाने के लिए, उसको वीजा लगता है, तो वो वीजा जो है विजिट वीजा मिलता है, वो हो सकता है 1 महीने का या 3 महीने का विजिट वीजा मिलेगा, तो आप रख सकते 3 महीने, उसके बाद फिर से आपको इंडिया भेजना पड़ेगा, फिर से आपको बुलाना पड़ेगा, ऐसे होता है, या रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। मेरे को उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन वर्किंग वीजा में अगर बुलाना चाहते हैं, जैसे कि समझो एक घर में दो लोग काम करना चाहते हैं, तो वो लोग बुला सकते हैं, अपने कफील से बात करके बुलाओ और वो घर में काम करेंगे। मैं जहां तक चाहता हूं, मैं जहां तक बोलूंगा, आप ऐसा काम मत कीजिएगा, ये तो बहुत गलत है भाई, मेरे दिल से तो गलत है। मैं यहां पर अपने औरत लोग को काम नहीं कराना सोचता हूं, यही मेरे लिए बड़ी बात है, मैं खुद कर रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बाकी का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो चलिए मैं खाना डाल के लाता हूं, वो भी देख लो खाना हम कैसा खाते हैं, ठीक है ना। भले रहो अभी मैं ला रहा हूं। तो किचन तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया, मेरा रूम का वीडियो नहीं देखे तो जाके मेरे चैनल में देख लो। अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज मैं बनाया हूँ मटन, टमाटर और सफेद राइस, और मैं इसको अभी खाने वाला हूँ क्योंकि भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खा के भागना है, ठीक है। और जो है और कुछ भी नहीं, बस खाना खाना है और जाना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना। मैं ऐसे ही बैठ के खाता हूँ, ऐसे ही, मेरे पास कोई डाइनिंग टेबल नहीं है, है टेबल लेकिन मैं रखता नहीं, वो बाजू में ही पड़ा है, आप लोग के बाजू में ही है, मैं नहीं रखता हूँ उस पे, ऐसे ही खाने में मजा है, ठीक है, ऐसा खाने में मजा है। और चम्मच से जो खाते है ना उसमें भी मजा नहीं है, पेट नहीं भरता है। और सफेद चावल और सालन जब तक नहीं खाएंगे हमारा पेट नहीं भरेगा, वो रोटी बर्गर वगैरह से हमको कुछ होता नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, देसी इंसान है भाई। तो चलिए मैं सलाम, अल्लाह हाफिज़।